सेशन का नाम है हैशटैग आस्क मंदा। इस सेशन में मैं आपकी स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज सॉल्व करता हूं, तो आपके भी मन में कुछ सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारे सवाल पे आपको सलूशन दे पाऊं। मेरा नाम है मंदार जामसांडेकर और आपका स्वागत है इस मेरे YouTube सेशन में। इस सेशन की फर्स्ट क्वेरी हमें भेजी है दीपक दुलबकर जी ने और वो पूछते हैं IIFL सिक्योरिटीज के बारे में। तो चलते हैं चार्ट पे। दीपक जी, आपको यहाँ पे IIFL सिक्योरिटीज का चार्ट दिखेगा। ये अगर आप चार्ट देखो तो ये स्टॉक सर्किट लगाते हुए ऊपर जा रहा है। तो ऐसे जो सर्किट लगाने वाले स्टॉक्स होते हैं उनसे मैं थोड़ा दूर रहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से ये ऊपर चले जाते हैं उसी तरीके से ये नीचे भी आ जाते हैं। इससे पहले मेरा एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था, वो वीडियो अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके के स्टॉक्स ट्रेड करना कैसे रिस्क वाली बात होती है, कैसे आपने इन सारे स्टॉक्स में कॉशियस होना चाहिए। उस वीडियो में मैंने सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, उसका लिंक अब यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर जब जाते हैं तो सर्किट लगाते हुए जाते हैं, जैसे नीचे आते हैं तब भी वो सर्किट लगाते हुए नीचे आ जाते हैं। अगली जो क्वेरी है वो हमें भेजी है रूपम सिंघा रॉय जी ने और वो पूछते हैं बंधन बैंक के बारे में। अब बंधन बैंक का रूपम जी, ये बंधन बैंक का पूरा लाइफ टाइम का चार्ट यहाँ पे खोला हुआ है, आपको दिखेगा ये नैरोइंग कंसोलिडेशन में अब बना हुआ है। ऊपर में ये जो रेड कलर की जो लाइंस है ये एक ट्रेंड लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो प्लॉट की है वो रेजिस्टेंसेस बनती है। तो रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ का टॉप और यहाँ का टॉप जॉइन करके बनाई हुई है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो यहाँ का टॉप और यहाँ का टॉप जो है यानी रेजिस्टेंस वो बना के प्लॉट की हुई है। तो ये जो रेजिस्टेंस बनता है वो 640-650 के करीब बनता है, और नीचे में आपको एक पॉजिटिव चीज जो दिखेगी वो है एक अच्छा सा अपट्रेंड। ये ब्लू कलर की जो अपट्रेंड लाइन जो हमने प्लॉट की है, जो स्टॉक का जो ऑल टाइम लो है उसे जॉइन करके जो ट्रेंड लाइन प्लॉट की है वो हमें बताती है कि ये स्टॉक एक हायर बॉटम बनाते हुए चल रहा है, फिर नया टॉप अभी तक बनाया नहीं है। तो ये एक नैरोइंग कंसोलिडेशन आपको दिखेगा। 440-460 का इसमें सपोर्ट बनता है, 640-650 का इसमें रेजिस्टेंस बनता है। तो इसमें आप एक स्विंग ट्रेड तो पक्का बना सकते हो। आपने अगर मेरा स्विंग ट्रेड का वीडियो नहीं देखा हो तो उसका लिंक अब यहाँ पे आ जाएगा, वो स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो आप जरूर देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए इस तरीके का जो व्यू है उसमें अपॉर्चुनिटी किस तरीके से आप पकड़ सकते हो। तो रूपम जी, ये लेवल्स आप ट्रैक कीजिए। अगली जो क्वेरी है वो हमें भेजी है प्रवीण कन्हेरकर जी ने और वो पूछते हैं अशोक लेलैंड के बारे में। अब प्रवीण जी, ये अशोक लेलैंड का डेली चार्ट है। अब यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा कि ये स्टॉक एक पॉजिटिव है, कि ये भारी गिरावट के बाद स्टॉक ने एक बेस बना के फिर ट्रेंड चेंज कर दिया है। सो एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है पिछले 4-5 महीनों से। अब ये जो लेवल है 85 का, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जो इमीडिएट रेजिस्टेंसेस है, लेकिन वैसे देखा जाए तो बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है। ये देखिए आप, ये 85 की लेवल हो गई, यहाँ पे रेजिस्टेंसेस है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो 85, 91, 95 और 98 ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है, लेकिन फिलहाल तो ये 85 की लेवल जो है ये वॉच करनी चाहिए। आप देख सकते हो पिछले 2 महीनों में 2 बार ये स्टॉक यहाँ पे और यहाँ पे जाके फिर से नीचे आ चुका है। तो 85 का लेवल देखिए, 85 जब कब ये ब्रेक करेगा तो आगे का जो रेजिस्टेंसेस है वो टारगेट इसमें बन जाएगी। नीचे में इसमें सपोर्ट बनता है 75 और 73। तो पिछले 2-3 महीनों में ये लेवल स्टॉक के लिए एक सपोर्ट भी बना हुआ है, वहां से स्टॉक बाउंस बैक कर लेता है, तो ये पॉजिटिव है। फिलहाल तो रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, ये लेवल्स आप ट्रैक कीजिए, जब कब ब्रेक होंगे तब एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। अगली जो क्वेरी है वो हमें भेजी है अमर शिंदे जी ने और वो पूछते हैं IDFC फर्स्ट और IDFC के बारे में। अब अमर जी, ये IDFC फर्स्ट
का ये ऑल टाइम चार्ट है। अगर आप देखो तो पिछले एक डेढ़ दो साल से तो ये वीकनेस के साथ ही ट्रेड कर रहा है नीचे में। पॉजिटिव ये है कि ये लेवल्स पे इसमें सपोर्ट भी बना हुआ है, तो 33 और 36 का यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है और ऊपर में 57, 70 और 83 ऐसे रेजिस्टेंसेस है। तो ये जो ब्लैक कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन है 44 के लेवल पे, वो एक पिवट का काम कर रही है, उसके ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, ये आपको दिखेगा। लेकिन इसमें स्ट्रेंथ आने के लिए ये स्टॉक ने ये जो 57 की जो लेवल है ये ब्रेक करके ऊपर चलना जरूरी है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो बड़ी सफेद कैंडल है, तो उसमें बाइंग तो तगड़ा यहाँ पे हुआ था जो स्टॉक को ऊपर लेके गया, लेकिन उसके बाद में ये मूव फिजल आउट हो गई। तो अब अगर उसमें ताकत फिर से लौट के आनी हो तो ये टॉप जो यहाँ पे बना हुआ वो ब्रेक करना इसमें जरूर है। जब कब करेगा तब इसमें आपने इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। अब से आप पकड़ के बैठोगे तो ये कितना दिन, कितने दिन, वीक्स या महीने लग जाएंगे इसमें, ये अब तो फिलहाल कह नहीं सकते। तो जब कब अपॉर्चुनिटी बनेगी तब आपने उसमें आना है, यानी ट्रेड ऑन एन इनविटेशन, ये हमेशा ध्यान में रखिए। जब कब एक स्टॉक इनवाइट करता है आपको कि आ जाओ भाई ट्रेड कर लो, अपॉर्चुनिटी है, तब आपने आके उसमें पोजीशन बनानी है। आपने पोजीशन बनाई इसलिए वो स्टॉक इनविटेशन नहीं जनरेट करने वाला है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। अब दूसरा जो स्टॉक है वो IDFC है। IDFC देखिए, ये पूरा 2005 से लेके आज तक का चार्ट खोला है। आपको दिखता है कभी इसने अपॉर्चुनिटी वेल्थ क्रिएशन किया हो? नहीं। जिस तरीके से ऊपर जाता है उसी तरीके से ये नीचे भी आ जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी लकी और यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट दिस काइंड ऑफ अ मूव। सो पोस्टमार्टम बहुत आसान होता है, यहाँ पे बाय कर लूंगा, यहाँ पे बेच दूंगा, ये कहना बहुत आसान होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये करना मुश्किल होता है, लोग नहीं कर पाते हैं। अब इसमें पॉजिटिव है कि 30-35 का सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन स्टॉक सिर्फ सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है इसलिए वो अच्छा नहीं होता है। वो सपोर्ट पे, वहां पे बाइंग इंटरेस्ट भी आना चाहिए तो ही स्टॉक बाउंस बैक करता है। स्टॉक सपोर्ट पे है इसलिए बाउंस बैक करेगा, ऐसी बात नहीं होती है। तो 30-35 का सपोर्ट वॉच कीजिए। ये 48 का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो ब्रेक करना ऊपर में जरूर है। वो अगर ब्रेक करेगा तो उसके बाद हमें एक अप ट्रेंड यानी फर्स्ट इंडिकेशन होगा कि शायद ये स्टॉक ट्रेंड चेंज करने वाला है। तो ये लेवल्स फिलहाल तो ट्रैक कीजिए। अगली जो क्वेरी है वो हमें भेजिए गजानन काकड़े जी ने, और वो पूछते हैं RCF और AB कैपिटल के बारे में। अब गजानन जी, आप ये देखिए RCF का चार्ट खुला हुआ है, लॉन्ग टर्म चार्ट है, 2004 से अब तक का चार्ट है। आपको देखिएगा पिछले दो साल से तो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट है 35 और 25 के बीच में, तो और ऊपर में रेजिस्टेंस बनता है 60 और 70 के लेवल्स पे। तो इसमें ये लेवल्स के बीच में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसमें अगर स्ट्रेंथ आनी हो तो 70 के ऊपर इसने ट्रेड करना जरूरी है। पहले तो इसने सपोर्ट लेवल पे स्ट्रेंथ दिखानी भी जरूरी है, क्योंकि अगर सपोर्ट पे अगर स्ट्रेंथ दिखाएगा तो ही फिर वो ऊपर में भाग पाएगा। तो ये लेवल्स फिलहाल तो वॉच कीजिए, 60-70 का ऊपर में रेजिस्टेंस, नीचे में 35-25 का सपोर्ट। आपका अगला जो स्टॉक था वो है AB कैपिटल। AB कैपिटल आप देखो तो लिस्टिंग से तो ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, पिछले एक साल से ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। तो शायद यहाँ पे ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, 75 का इसमें सपोर्ट है, 117 का इसमें रेजिस्टेंस है। अगर इसमें फ्रेश पोजीशन बनानी हो तो वो 117 जब कब ब्रेक करेगा और उसके ऊपर सस्टेन होगा तभी उसमें फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए। जब तक इसमें रहता है तब तक आप स्विंग ट्रेड तो जरूर कर सकते हो, मेरा स्विंग ट्रेड का वीडियो देखिए, उसमें से आपको आइडिया मिल जाएगी। 75 का सपोर्ट और 117 का रेजिस्टेंस, ये फिलहाल आपने ट्रैक करना जरूरी है। तो ये थी आज के सेशन की सारी क्वेरीज। इसी तरह आपके मन में भी कुछ भी क्वेरी हो तो वो मन में मत रखिए, इस वीडियो के कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेरी मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज इंक्रीजेस बाय शेयरिंग।
और जब आप चार्ट पे काम करते हो, जब आपको लेवल्स मालूम होती है, तो आप एक अच्छा, एक इन्फॉर्म्ड और एक वाइज डिसीजन ले सकते हो। आपने मुझे इस वीडियो में ज्वाइन किया, इसलिए आपका धन्यवाद। आपका मंदार जाम सांडेकर।